अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेरेंट्स यूट्यूब चैनल फूड एंड ट्यूर विद रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बल्कि ऐसा डेजर्ट जिसका नाम है फ्रूट केक। ये बनाना बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, एंड यूजली हर घर में ही चाय के साथ एज अ स्नैक यूज होता है। तो ये कैसे बनता है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं यहाँ 3/4 कप अपना बटर ऐड कर रही हूँ। ये अनस्वीटन बटर है, ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टू बी रिमेंबर भैया कि सबसे पहले हम लोग केक को बनाने से पहले और उसको इंग्रेडिएंट्स और मिक्सचर बनाने से पहले मैंने ओवन को अपना प्री हीट करने के लिए रख दिया है तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस पर फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स, तब तक कि हमारा मिक्सचर नहीं रेडी हो जाता। अब हम इस बटर को अच्छे से बीट करेंगे तो ये फोमी टेक्सचर में आ जाए। जस्ट डन, बस इतना ही हमें चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे 1 कप शुगर है, पाउडर शुगर, वो मैं हाफ ऑफ करके इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ साथ ही बीट करती जाऊँगी। हमने शुगर को अपने बटर में अच्छे से डिजोल्व करना है। अब बाकी भी हाफ ऐड कर लेते हैं और साथ ही साथ बीट कर लेते हैं। शुगर हमारी बटर में अच्छे से डिजोल्व हो गई है, एज यू कैन सी। अब मेरे पास यहाँ पे 4 eggs हैं जिसको मैं एक एक करके इसमें ऐड करूँगी और साथ ही साथ हम बीट करते जाएंगे। आई नो ये काफ़ी मैसी हो जाता है, बट एट लास्ट इट वर्थ इट। अब दोबारा एक और, इसी तरह मैं अपने 4 eggs इसमें डालकर डिजोल्व करके आपको दिखाती हूँ। चले जी, ये हमारा मिक्सचर यहाँ तक बिल्कुल रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे मैदा है तकरीबन 1 cup, इसको हम इसके अंदर 3 to 4 spoons करके साथ साथ बीट करते जाएंगे। सारा एक साथ में डाल दीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा ही मैसी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके बीट करते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से आप लोगों ने करके इसको बीट करते जाना है। नाउ अगेन थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, मेक श्योर आप ज़्यादा सारा एक साथ मत डाल दें, तो जल्दी किस बात की है। चले जी, मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लोर भी हमारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर, यहाँ पे मेरे पास 1 teaspoon बेकिंग पाउडर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ बीट एज यूजुअल। चले जी, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे वनीला एसेंस अपना ऐड करूँगी, ये मैं तकरीबन 1 teaspoon ऐड करूँगी एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ। साथ ही साथ इसको बीट, केक में तो होता ही मेन काम सारा बीटिंग का है। चले जी, बस दैट्स इट, हो गया ये हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चले जी, केक का बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है और ये कंसिस्टेंसी आप लोगों की भी होनी चाहिए, सो यम्मी राइट। चले जी, अब हमारे पास जो यहाँ पर अशरफिया मुरब्बे हैं, एक मैंने रेड कलर में लिया है, एक मैंने ग्रीन कलर में लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यार फ्रूट केक और उसके अंदर ये एक्सेस चीज़ें ना हो तो टेस्ट ही नहीं पता चलता यार। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अशरफिया हमारी सारी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है इस शेप का, इसके अंदर मैंने सबसे पहले नीचे बटर लगा कर बटर पेपर लगा दिए। अब मैं साइड साइड पे सारा बटर अच्छे से लगा दूंगी, दैट्स इट, ताकि ये आपस में स्टिक ना हो। चलो जी, अब जो हमारे पास यहाँ मिक्सचर है हमारा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, सारा अच्छे से ऐड करेंगे। केक का बैटर हमने अपने मोल्ड में सारा डाल दिया है और इसको एक दो दफा टैप कर लेंगे ताकि इवन हो जाए। से अब ऊपर डालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आलमंड्स लिए हुए हैं, उनको चॉप कर लिए, और कुछ पिस्टैचियोस लिए हुए हैं, उनको चॉप कर लिए, वो मैं यहाँ मिट में करके ऊपर डाल दूंगी। फैलाऊंगी नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा इतना पसंद नहीं, मिट में करके स्ट्रेट लेयर इसकी भी लगाऊंगी मैं, लाइक दिस। इसी तरह पिस्टैचियोस भी। अगर आप लोग कोई और ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप लोग मेवे इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं,
हमारी फैमिली में मोस्टली ये खाता नहीं है कोई ज़्यादा मेवे वगैरह या इतना एक्स्ट्रा करके, तो इसलिए मैंने डाला है। नाउ दैट्स इट, हमारा केक बैटर बिल्कुल तैयार है। नाउ इट विल गो स्ट्रेट टू द ओवन। अब जो ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था उसके अंदर मैं अपना केक रख दूंगी और इसको फॉर लाइक 200 डिग्री सेल्सियस पर या 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस पर फॉर लाइक 25 मिनट्स कुक करूंगी, बेक करूंगी। देन मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, हमें केक को रखे हुए तकरीबन 25 मिनट्स हो गए हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा केक फुली बेक हुआ कि नहीं, केक हमारा रेडी है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए इसका तरीका होता है कि हम लोग एक टूथपिक लें और उसको केक के अंदर डाल के देखें। अगर तो टूथपिक क्लियर बाहर आ जाती है इसका मतलब हमारा केक फुली बेक्ड है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर आई है, तो इसका मतलब केक हमारा बिल्कुल बंद है। ओवन हमने कर दिया बंद और अब हम अपने केक को निकाल लेंगे। तो हमारा आज का फ्रूट केक बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।